हे गाइस वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो कैसे आप लोग गाइस, अच्छे हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं? गाइस मैं अभी हूँ नेहालपुर में, और नेहालपुर का जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मार्केट, यहाँ पे सब्जी का मार्केट है गाइस। और एक सब्जी वाले भाई हैं, उनसे बातें करते हैं कि उनका दुकान कैसा चल रहा है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मार्केट में ऐसा नज़ारा है, तो आइए उनसे बातें करते हैं और उनकी स्थितियाँ को जानते हैं कि इस लॉकडाउन में क्या चल रहा है गाइस। तो आइए उनसे हम लोग जानकारी लेते हैं। हाँ तो गाइस आइए, मंटू कुमार हैं, इनका सब्जी का दुकान है यहाँ पे नेहालपुर मार्केट में, तो उनसे बातें करते हैं। तो आप कैसे हैं? अभी तो ठीक ठाक है। ठीक है, अभी मतलब आपका दुकान कैसा चल रहा है अभी? मतलब क्या अभी ग्राहक वगैरह आ रहे हैं यहाँ पे? कुछ कम चलाव आ रहे हैं। कम बेसी चल रहा है, वही से कम बेसी चल रहा है। सरकार से अपील भी करना चाहेंगे कि आप मतलब दुकान खोलने के लिए, या फिर आपके दुकान में जैसे बंदा मंदी चल रहा है लॉकडाउन की वजह से, सरकार को बोलना चाहेंगे आप? सरकार के क्या बोलने गए उसमें, तो हमारा बिजनेस है, तो हम क्या बोल सकते हैं? सरकार से पूरी अपील भी चाहिए आपको। अपील मैंने तो महंगा महंगा भी कुछ चल रहा है। महंगा चल रहा है? हाँ अभी महंगा चल रहा है। हमें तो कुछ नहीं है बना, नहीं कुछ भी नहीं, कुछ नहीं बोलने भी नहीं। नाम बता दीजिए अपना। मंटू कुमार। मंटू कुमार का घर बता दीजिए। ढाना डेरी। भाई का नाम मंटू कुमार है और इनका घर ढाना डेरी है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे भाई का दुकान है सब्जी का, जैसा आप लोग देख रहे हैं कुछ ऐसा दृश्य है, और भाई का ऐसा दुकान है। और ऐसा बता रहे थे अभी लॉकडाउन की वजह से कुछ परिस्थितियाँ अभी अच्छी नहीं चल रही है। नेहालपुर का सब्जी मंडी जैसा आप लोग देख रहे हैं ऐसा दृश्य है, और सब्जी मंडी का यहाँ पे ऐसा कुछ सब्जी मंडी का दुकान लगा हुआ है। तो गाइस आइए, एक भैया दुकानदार है, इनका बाल बनाते हैं और यहाँ पर दुकान है। तो आइए उनसे बातें करते हैं, उनसे जानकारियां लेते हैं कि उनका दुकान अभी कैसा चल रहा है इस लॉकडाउन की वजह से, लॉकडाउन की स्थिति में। तो आइए उनसे जानकारियां लेते हैं और उनसे पूछते हैं। हाँ तो भैया, आपका दुकान अभी कैसा चल रहा है आप बताइए, और क्या अपील है? एकदम गलत चल रहा है, लॉकडाउन लगा दिया सरकार, आज जितना मार है ठाकुरे पर है ये है, समझ गया? का करें, हम लोग के पास लॉकडाउन से ठाकुर भी आपको कर रहा है कोई बनाने, कोई नहीं आ रहा है, और सरकार ठाकुर पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। हम लोग तो भाई मर रहे हैं भूखे, बाल बच्चा कैसे पढ़ा देंगे, कैसे लिखा देंगे? खाली लॉकडाउन सरकार लगा दे रहा है, कह रहा है कि हम गरीब के भलाई कर रहे हैं। भाई हम इसमें तो मर रहे हैं ठाकुर लोग, न गाहक आ रहा है, डरे लोग कि कोरोना हो जाएगा, ना राशन पानी मिलता है, सब मिलता है, पर यही है कि गरीबी है, कमाना है तो खाना है, और वो कोलनी भी नहीं मिला है, बाढ़ हाल है, अब आप क्या कहें? सरकार से आपको जैसा बोल रहे हैं कि अभी लॉकडाउन लगा दिया है तो ख़राब चल रहा है, तो आपको सरकार से क्या अपील है, मतलब सरकार को क्या कहना चाहते हैं? सरकार से तो यही अपील है कि हम लोग नाई समाज को कुछ मदद करें, हम लोग को रोज़गार दे। अब तो कोई दाढ़ी बाल बनावेगा नहीं कोरोना से, तो हम लोग को रोज़गार तो देना चाहिए ना। अब और हम सरकार से क्या अपील करें भाई? जैसे कोई बाल वगैरह यहाँ कटवाने नहीं आ रहा है, तो भैया के जैसा बता रहे थे कि ऐसा स्थिति है दुकान का, और नाम बता दीजिए भैया अपना। हमारा नाम है रवि ठाकुर। दुकान कहाँ पर है आपका? नेहालपुर में है। बता रहे हैं कि नेहालपुर में दुकान है इनका, और जैसा भैया की परिस्थितियों को हम लोगों ने देखा, और ऐसा कुछ स्थिति है नेहालपुर मार्केट का स्थिति है ऐसा। तो एक भैया है उनका सब्जी का यहाँ पे, जैसे बाढ़ की वजह से अभी सब्जियाँ पाँच कितना में डूबा है भैया आपका सब्जी? पाँच कट्ठा में इनका सब्जी डूब गया है। जैसा भैया इन्हीं से जानकारियाँ लेते हैं, तो आप बताइएगा कि आपका सब्जी का जो खेती था वो कैसे डूब गया?
बाढ़ से डूबा। क्या कहेंगे वो, सरकार थोड़ी देंगे भाई, देते तो ठीक ही रहता। धान डूब गया 1.5 बीघा में, खेती करते हैं। हाँ सब्जी तो कमाते खाते हैं, वो डूब गया 5 कट्ठा। अरे सरकार कहा देंगे भाई, डूब ही गया, देंगे तो पर भी। हाँ बता रहे थे कि इनका बाढ़ की वजह से अभी गांव में बहुत सारा ऐसी स्थिति खराब है, बहुत सारे गांव में बाढ़, यहाँ बाढ़ बढ़ गया है और बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो यहाँ पे डूब गए हैं। तो गाइस चलिए हम लोग आगे उस गांव को एक्सप्लोर करते हैं जो पानी से डूब गया है, और क्या कहाँ पे है तो आइए हम लोग, आप लोगों को मैं दिखाता हूँ।